हेलो गाइस, मैं हूँ अर्पिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं अपने दादाजी के जो लास्ट मेमोरीज है वो मैं प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि मेरे दादाजी और इस दुनिया पे नहीं रहे, एंड मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी जहाँ पे भी है बहुत ही अच्छी जगह पे, और हमको दूर से वो आशीर्वाद दे रहे होंगे। दादाजी को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दादाजी कहा करते थे, गॉड हेल्प्स हिम दोस हु हेल्प्स देमसेल्फ। ये सिर्फ मुझे नहीं, पूरे नाते पोते जितने भी थे सबको ये एक बात दादाजी कहते थे। बचपन में हम लोग सुनते थे और बताते थे, क्या दादू हमेशा एक ही बात बोलते रहते। बट जैसे हम दिन दिन बड़े होते गए ना, तब मुझे पता चला कि दादाजी ठीक ही कहते थे। मतलब सच में ये जो कोट है ना, ये हमारे सारे नाते पोते के दिमाग में एकदम घुस गए। तो जब हम सब गैदर हुए थे सारे जो नाते पोते से, तो हम ये सारे बातें फिर रिकलेक्ट कर रहे थे कि दादू हमको ये कहा करते थे, वो कहा करते। दादू हमको बहुत पढ़ाते भी थे। दादू से मैंने बहुत सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन जो मैथमेटिक्स के थे, बहुत कुछ मैंने दादू से सीखा है। जब भी मैं दादू के पास जाती थी, यूजुअली तो ज़्यादा जाना होता नहीं था, बट जब भी मैं जाती थी दादू हमेशा मुझे उधर बोलते थे, मतलब बॉर्ड दे तू ये चीज आई अमर पास बॉस। बॉर्ड दे मीन्स बड़ी दीदी, मतलब मैं उनसे भी बड़ी दीदी। ये दादू बहुत कहा करते थे। मिस करती हूँ दादू को अभी। पता था दादू नहीं रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि इस टाइम हमको मतलब हम श्योर थे कि दादू के मतलब जैसा मतलब लास्ट में हो गया था, हम सब ने माइंड सेटअप कर ही लिया था कि ये दिन देखना पड़ेगा। मेरे दादू ने मुझे सिखाया था कैसे टफ से भी टफ स्पेलिंग बिना मतलब मिस्टेक किए आप एकदम ठीक से लिख सकते हो। उसका एक बड़ा एग्जांपल था न्यूमोनिया एंड साइकोलॉजी, ये दोनों वर्ड अभी भी मुझे याद है। मुझे दादू ने बोला था साइकोलॉजी का स्पेलिंग तू ऐसे बोल, मतलब पीछी चलो जाए, इट्स अ बंगाली टर्म, मतलब बुआ चलो जाते हैं। तो मतलब बंगाली में अगर ये बोलेंगे तो इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा साइकोलॉजी वाला हो जाएगा। तो वो सिखाया था, फिर न्यूमोनिया का भी ऐसा सिखाया था। मतलब दादू मतलब टफ से टफ स्पेलिंग को भी एक ऐसा इजी वे में हमको सिखा देते थे ना, मतलब एकदम जहन पे घुस जाता। तो मैं अभी भी कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं हो कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ, मतलब बहुत रेयर हो। तो ये जो गुण है ना, ये मैंने अपने दादू से सीखा है। दादू से मैंने सीखा है द वर्ड परसिवियरेंस। मतलब एक दिन मैंने दादू से पूछा था, दादू मतलब कि आप क्या चाहते हो, मतलब मैं कैसे इंसान बनूं या ऐसा कुछ। तो दादू ने ना, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो दादू ने मुझे बस एक वर्ड बोला था, परसिवियरेंस। तब तो मुझे कुछ ख्याल आया नहीं, लेकिन वो दिमाग में मेरा वर्ड घुस गया था। जब मैं थोड़ा बड़ी हुई, कभी कभार मतलब वो वर्ड मेरे दिमाग में आ जाता था, तो मतलब आता था फिर मैं भूल जाती। तो एक दिन मैंने ऐसी परसिवियरेंस वर्ड ना, मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया, तो तब पता चला परसिवियरेंस मीन्स मतलब द एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। मतलब दादू, मेरे दादू जो है हमेशा ये मतलब मुझे बोलने का ट्राई करते थे कि मतलब तू एफर्ट्स दे कुछ अचीव, मतलब कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू मेक द एफर्ट्स। मतलब दादू हमेशा इसी पे बिलीव करते थे, मतलब तुमको ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब दादू हमेशा बहुत अच्छी अच्छी सीख दिया करते थे। और मैं बस अभी यही प्रे कर सकती हूँ कि मेरे दादू जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो सारे जो मतलब पूरा परिवार इतने दिनों ने इतने सालों बाद एक साथ हुआ दादू की वजह से। तो सारे घाट पे आ चुके हैं, आज ही सारा काम हो जाएगा।
क्योंकि पापा मेरे बड़े हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, तो वो पिंड दान करेंगे। आज हम सारे गंगा पे नहा के हमारा जो काल अशुच था वो सब धुल जाएगा। ये सारे मेरे चाचा हैं, मेरे दादू के टोटल 6 बेटे हैं और 3 बेटियां, तो सबसे बड़े मेरे पापा हैं। तो हम लोग अभी घाट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे पास में शिव जी का एक अच्छा सा मंदिर है। और ये रहा अन्नपूर्णा घाट। इसी घाट पे ज्यादातर लोग आते हैं ये घाट काज करने के लिए। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं घाट काज के लिए। जो बच्चे कुछ प्यारे प्यारे पहले भी चले जाएंगे, देखते हैं कैसे लगता है। कभी मैं अपने आप को टकला नहीं दिखा तो देखूंगा मैं टकला कैसे। दादू के साथ जो बच्चा कुछ दाढ़ी भी है वो भी उठा, वो भी चला जाएगा। जो बच्चा कुछ मुश्किल से उठा है लेकिन दादू के लिए इतना कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन बाल है, कर ही सकते, कोई इशू नहीं। दादू के आ ही जाए। ये भी लाइन पे खड़ा है, वहां पे दादू का काम चल रहा है। बड़े सवाब होंगे, बेटे लो मुंडन होंगे। চুলকো সরাই চুলকো কি ছড়া চুল দড়ি সাথে সবাই স্নান করবে তো যা নেক্সট ইসকি বাড়ি যা না আচ্ছা আচ্ছা বিফোর আফটার দেখ তো কে লাগছে দাদা দাদা সবাই একসাথে মার কাছে যাবে এখন কেউ যাবে না মায়ের কাছে সবাই মায়েদের রিয়াকশন দেখব কেমন লাগছে ফিল কেমন হচ্ছে कौन फील होती सुबह समझ में नहीं आ रहा कहाँ के मेरे बाद समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट डे इसके बाद ये मेरा और एक भाई है जो कि मुंडन हो रहा है। गाइस देख सकते हो मेरा भैया टकला हो चुके हैं, मैं भी होऊंगा कुछ देर बाद। यो गाइस ये एक और भैया है। तो ये पिंड बनाने के बाद सबको नहाने का आदेश दिया गया। तो पापा और सारे चाचा नहा के आ चुके हैं और अब स्टार्ट होगा पिंड दान देना।